बच्चों, पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था टाइप्स ऑफ टीथ के बारे में, इंसीजर्स, कैनेंस, प्री मोलर्स एंड मोलर्स। अब आज हम लोग बात करने जा रहे हैं टंग के बारे में। टंग इज अ थिक मस्कुलर ऑर्गन विच इज अटैच टू द फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी। मीन्स दैट कि जो हमारा बकल कैविटी है या माउथ कैविटी है उसके फ्लोर पे, मीन्स दैट कि उसके जस्ट उसके नीचे होता है। इट इज़ फ्री एट वन एंड एंड कैन मूव इन ऑल डायरेक्शंस। ये एक एंड से फ्री होता है, आगे के एंड से ये क्या होता है, फ्री होता है, और ये हर डायरेक्शन में मूव कर सकता है। इट कंसिस्ट ऑफ फोर टाइप्स ऑफ टेस्ट बर्ड्स। इसमें टेस्ट बर्ड्स होते हैं चार तरह के, एक होते हैं साल्टी, स्वीट, सोर एंड बीटर। मतलब कि एक जगह पे सिर्फ नमकीन लगेगा, एक जगह पे मीठा, एक जगह पे खट्टा और एक जगह पे तीखा लगेगा। टेस्ट बर्ड्स हेल्प अस टू टेस्ट फूड। टेस्ट बर्ड्स बच्चों फूड को टेस्ट करने में हमारी हेल्प करते हैं। द टंग रोल्स द फूड इन टू ए बॉल विच इज स्वेलो और पुश्ड इन टू अ लॉन्ग ट्यूब कॉल्ड द फूड पाइप। तो क्या होता है बच्चों कि जब फूड हम लोग खाते हैं तो ये फूड को रोल करता है, एक बॉल की तरह बना लेता है और फिर अंदर की तरफ हमारे फूड पाइप में उसको पुश कर देता है। ए फ्लैप लाइक अ स्ट्रक्चर कॉल्ड इपिग्लोटिस इज प्रेजेंट इन द बकल कैविटी। बकल कैविटी में ही बच्चों नीचे की तरफ, ठीक ना, नीचे की तरफ अंदर की तरफ एक पाया जाता है, इपिग्लोटिस उसको कहते हैं। जो कि इपिग्लोटिस क्या होता है कि फ्लैप लाइक अ स्ट्रक्चर है, एक इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर होता है, मस्कुलर स्ट्रक्चर है, और वो ओपन और क्लोज होता रहता है, ठीक ना। इट क्लोजेज द विंड पाइप व्हेन वी स्वेलो फूड। जब हम लोग फूड को अंदर की तरफ लेते हैं, जब फूड को टंग पुश करता है अंदर की तरफ, तो ये विंड पाइप को, ये जो इपिग्लोटिस है बच्चों, विंड पाइप को क्लोज कर देता है। विंड पाइप से बच्चों हमारे अंदर, हमारे लंग्स में हवा जाती है नाक के द्वारा, तो विंड पाइप को क्लोज कर देता है। इन केस द फूड पार्टिकल्स इंटर्स द विंड पाइप। अगर किसी कारण, किसी भी केस में अगर विंड पाइप में कोई फूड पार्टिकल चला जाता है, द पर्सन चोक्स और कफ्स टिल द पार्टिकल आर रिमूव, पार्टिकल्स आर रिमूव। अगर किसी कारणवश चला जाता है, हमारा फूड पार्टिकल विंड पाइप में चला जाता है, तो पर्सन चोक करने लगता है, खांसने लगता है, और इसके और वो तब तक खांसता रहता है जब तक कि वो पार्टिकल रिमूव ना हो जाए या फिर हिचकियाँ आने लगती हैं उसको। तो बच्चों कुछ फंक्शंस है यहाँ पे टंग के। टंग के फंक्शंस क्या क्या हैं बच्चों, क्या क्या करता है ये? सेंस द टेस्ट ऑफ फूड, मतलब कि फूड किस टेस्ट का है उसको ये सेंस करता है। रिमूव फूड पार्टिकल्स ट्रैप्ड इन द टीथ। हमारे दांतों में कुछ फूड पार्टिकल्स फंस जाते हैं तो उसको भी रिमूव करने में हेल्प करता है। मूव्स फूड अराउंड इन द माउथ, फूड को माउथ में चारों तरफ घुमाने का काम करता है। हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ स्वेलिंग, स्वेलोइंग मीन्स दैट कि फूड को निगलने में हमारी हेल्प करता है। मिक्सेस द सलाइवा विद द फूड, हमारे लार को, हमारे सलाइवा को फूड के साथ मिक्स करने में हेल्प करता है। हेल्प्स इन द स्पीकिंग, और हमें बोलने में हमारी हेल्प करता है। अब आती है बच्चों बात सेलेबरी ग्लैंड्स की। डाइजेशन ऑफ फूड बिगिंस इन द माउथ, माउथ में ही फूड का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है बच्चों। द माउथ कंटेन्स थ्री पेयर्स ऑफ सेलिवरी ग्लैंड्स, हमारे माउथ में तीन पेयर होते हैं सेलिवरी ग्लैंड के, मतलब कि कितने नंबर ऑफ सेलिवरी ग्लैंड्स, सिक्स। दीज ग्लैंड सिक्रेट सलाइवा, और ये सेलिवरी ग्लैंड सलाइवा सिक्रेट करते हैं। सलाइवा क्या है बच्चों? ए लिक्विड सिक्रेशन विच कीप्स द माउथ वेट। एक ऐसा सिक्रेशन, एक पानी जैसा सिक्रेशन जो कि हमारे माउथ को वेट बनाता है, वाटरी बनाता है। विच बिगिंस द डाइजेशन ऑफ फूड, तो सलाइवा क्या करता है बच्चों कि फूड के डाइजेशन को स्टार्ट कर देता है। द फूड च्यूड बाय द टीथ मिक्सेस विद सलाइवा, जो हम चबाते हैं फूड को, उस फूड को, वो फूड क्या होता है कि हमारे सलाइवा के साथ मिक्स होता है। बिसाइड वाटर सलाइवा ऑल्सो कंटेन्स एंड एंजाइम। एंजाइम क्या है बच्चों? एन इम्पॉर्टेंट सिक्रेशन विच असिस्ट इन डाइजेशन कॉल्ड टाइलिन। तो बच्चों क्या है कि सलाइवा वाटर के अलावा भी कुछ एंजाइम्स, एंजाइम्स सिक्रेट करता है। एंजाइम्स क्या होते हैं बच्चों? फूड के डाइजेशन को बढ़ाते हैं, फूड के डाइजेशन को तेज़ करते हैं। उस एंजाइम का नाम क्या है बच्चों? टाइलिन। सलाइवा इज सिक्रेटेड इन द माउथ इवन बिफोर द फूड इंटर्स द माउथ।
सलाइवा तब भी सिक्रेट करता है जब हमारे माउथ में सलाइवा तब भी सिक्रेट करता है जब फूड हमारे माउथ के अंदर ना आया है तब भी। यही कारण है कि बहुत स्वादिष्ट फूड आप लोग फूड की स्मेल आप लोग सूंघ लेते हैं तो उससे भी आपके मुंह में पानी आ जाता है। उसका रीज़न क्या है कि सलाइवा फूड में फूड के माउथ में इंटर होने से पहले ही सिक्रेट हो जाता है। दिस इज़ द रीज़न योर माउथ सलाइवेट्स एट द थॉट और स्मेल ऑफ फूड। आप बस सोच लेते हैं कि फूड ऐसा होगा, आपको स्मेल आ जाती है कि फूड ऐसा है, उससे भी सलाइवा आपके माउथ में सिक्रेट हो जाता है। अब बच्चों कुछ फंक्शंस हैं सलाइवा के। सलाइवा का क्या फंक्शन है बच्चों? सलाइवा ब्रेक्स डाउन स्टार्च। स्टार्च क्या है बच्चों? एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, इनटू सुगर। सुगर क्या है? सिंपलर फॉर्म है, ठीक ना। तो सलाइवा स्टार्च को सुगर में कन्वर्ट करता है। हैंस अ पीस ऑफ ब्रेड स्टार्च टेस्टिंग स्वीट आफ्टर च्यूइंग एंड मिक्सिंग विद सलाइवा। और यही रीज़न है कि जब आप रोटी खाते हैं तो कुछ समय के बाद जब आप चबाते हैं रोटी को तो कुछ समय के बाद वो मीठा लगने लगता है। रीज़न क्या है कि जब आप माउथ में वो ब्रेड डालते हैं तो कुछ समय के बाद जब सलाइवा के साथ वो मिक्स होता है तो डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। मीन्स दैट कि कार्बोहाइड्रेट, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट टूट जाता है सिंपल शुगर में। सलाइवा प्रोटेक्ट्स आवर माउथ एंड टीथ फ्रॉम बैक्टीरियल इन्फेक्शन। सलाइवा हमारे माउथ को या फिर हमारे टीथ को बैक्टीरियल इन्फेक्शन से भी बचाता है। इट मेक्स द च्यूड फूड सॉफ्ट एंड स्लिपरी सो दैट इट इज़ ईजी टू स्वेलो। मीन्स दैट कि ये जो चबाया हुआ फूड है उसको ये सॉफ्ट बनाता है और स्लिपरी बनाता है जिससे कि हमें उस फूड को निगलने में आसानी हो जाती है। बच्चों यहाँ पर ये एक्टिविटी है, क्या कह रहा है इसमें? टू प्रूव दैट सलाइवा ब्रेक्स डाउन स्टार्च इनटू सुगर। सलाइवा स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देता है, इस चीज़ को हमें पता करना है। चलिए बच्चों देखते हैं। स्टार्च बच्चों ग्रीन लीव्स में बन रहा था फूड के रूप में, आप लोगों को याद है। आयोडीन सॉल्यूशन द्वारा एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो ब्लू ब्लैक कलर आ रहा था, याद है। आप लोग क्या करेंगे इस एक्टिविटी के लिए, दो आप लोग टेस्ट ट्यूब ले लेंगे, अपने माउथ में थोड़ा सा चावल डालेंगे और उस चावल को पहले बढ़िया से उसको चबा लेंगे। चबाने के बाद से उसको, चूँकि वो सलाइवा में मिक्स भी हो जाएगा, तो उस चावल को आप, मतलब कि चबाया हुआ चावल जिसमें कि सलाइवा भी है और वो राइस भी है, चबाया हुआ जो पका हुआ चावल था, वो चबाया हुआ चावल भी है और सलाइवा भी है, उसको आप लोग क्या करेंगे कि टेस्ट ट्यूब में आप ले लेंगे, ठीक ना। दोनों टेस्ट ट्यूब में, एक टेस्ट ट्यूब में क्या करेंगे कि उसको ले लेंगे और एक टेस्ट ट्यूब में आप लोग ऐसे ही चावल ले लेंगे, ठीक ना, जिसमें सलाइवा मिक्स नहीं है। ऐसे ही उठाया बाउल से और उसको डाल दिया दूसरे टेस्ट ट्यूब में और पहले वाले टेस्ट ट्यूब में मुंह से चबाया हुआ चावल आप लोग डाल देंगे। तो टेस्ट ट्यूब ए में आप लोग मुंह से चबाया हुआ चावल डालेंगे और टेस्ट ट्यूब बी में ऐसे ही चावल उठा कर डाल देंगे। मीन्स दैट कि टेस्ट ट्यूब ए में राइस विथ सलाइवा है और दूसरे वाले में राइस जिसके पास सलाइवा नहीं है। अब आप लोग क्या करेंगे कि थोड़ा सा 5 ml के बराबर दोनों में पानी डाल देंगे, ठीक है। पहले आप लोगों ने इसमें सलाइवा मिक्स्ड विथ राइस उसको डाला और इसको आपने ऐसे ही राइस डाल दिया। अब इन दोनों में 5-5 ml वाटर डाल देंगे, फिर उन दोनों को मिक्स कर देंगे अच्छे से। इसको अच्छे से वाटर के साथ मिक्स कर देंगे, इसको अच्छे से वाटर के साथ मिक्स कर देंगे। दोनों में बच्चों आप लोग थोड़ा थोड़ा आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे, दो दो ड्रॉप, तीन तीन ड्रॉप दोनों में आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे। आप लोग देखेंगे क्या चीज़ कि जो पहला वाला जो ए टेस्ट ट्यूब है उसमें कोई भी कलर चेंज नहीं होगा, बल्कि दूसरे वाला जो टेस्ट ट्यूब है उसमें ब्लू ब्लैक कलर आ जाएगा। बच्चों रीज़न क्या है? ब्लू ब्लैक कलर का आ जाना बी टेस्ट ट्यूब नंबर बी में ये बताता है कि टेस्ट ट्यूब नंबर बी में अभी भी स्टार्च है लेकिन टेस्ट ट्यूब ए में स्टार्च नहीं है। तो ये स्टार्च क्यों नहीं है बच्चों? क्योंकि सलाइवा के साथ मिलके और ये सिंपल शुगर में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है बच्चों, यहाँ से एक बात पता चलती है कि सलाइवा जिस भी फूड में है उसमें स्टार्च को वो तोड़ देता है सिंपल शुगर्स में, और इस फूड में नहीं है तो इसको वो स्टार्च को सिंपल शुगर में नहीं तोड़ पाता। तो इसीलिए हम लोगों को एक बात यहाँ से समझ में आती है, एक बात यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि सलाइवा ब्रेक्स डाउन स्टार्च इनटू शुगर। सलाइवा स्टार्च को शुगर में तोड़ देता है। अब बात करते हैं बच्चों
नेक्स्ट पोर्शन, नेक्स्ट पार्ट है हमारा एलिमेंट्री कैनाल का। पहला पार्ट हमने देख लिया बकल कैविटी, अब हम लोग देखेंगे ओसोफेगस। ओसोफेगस को बच्चों हम लोग फूड पाइप भी कहते हैं। कनेक्ट्स द माउथ टू द स्टोमक। ओसोफेगस हमारे माउथ को स्टोमक से कनेक्ट करता है। इट रन्स अलोंग द नेक एंड द चेस्ट। यह हमारे चेस्ट और नेक से होते हुए गुजरता है। इट इज़ अबाउट 30 सेंटीमीटर इन लेंथ, और ये लगभग 30 सेंटीमीटर का होता है। फूड इज पुश्ड डाउनवर्ड बाई अ सीरीज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन बाई द मसल्स इन द वॉल्स ऑफ द ओसोफेगस। मतलब कि फूड जब बच्चों हमारे माउथ से, हमारे बकल कैविटी से जब अंदर जाता है, तो ये जो फूड पाइप है ना, इस फूड पाइप में हमेशा कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन चलता रहता है। फूड जैसे कि अंदर जाता है, तो इस तरह से जैसे मेरा हैंड कर रहा है ना, इसी तरह से ओसोफेगस क्या करता है, उसमें कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन लगातार होता रहता है, जिससे कि जो फूड हमारे ओसोफेगस में जाता है वो फूड लगातार पुश होता जाता है, और पुश होते होते वो पहुंच जाता है स्टोमक में। तो इसी कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन को बच्चों हम लोग कहते हैं पेरिस्टेलिसिस। क्या कहते हैं? पेरिस्टेलिसिस या फिर पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट। द फूड मूव्स अलोंग द एंटायर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट थ्रू द पेरिस्टेलिसिस मूवमेंट। तो ये जो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जो भी फूड आता है, वो पेरिस्टेलिसिस प्रोसेस के चलते ही ये हमारे स्टोमक में या फिर स्टोमक के आगे भी ये पेरिस्टेलिसिस प्रोसेस होता रहता है, इसी के चलते मूव करता है। नो डाइजेशन अकर्स इन द ओसोफेगस। ओसोफेगस में फूड का कोई भी ब्रेकडाउन नहीं होता, इसीलिए कोई भी डाइजेशन नहीं होता। फ्रॉम द ओसोफेगस द फूड इंटर्स द स्टोमक, और ओसोफेगस के बाद ये फूड स्टोमक में इंटर कर जाता है। तो बच्चों आज के लिए इतना रहने देते हैं। यहाँ पे ट्राई दीज हैं कुछ क्वेश्चंस, इसको आप लोग करेंगे, ये आपका होमवर्क है। एन ऑर्गन शोइंग पेरिस्टेलिटिक न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन ग्रीन प्लांट्स, टीथ दैट इमर्जेज इन 6 मंथ टू 1 ईयर ओल्ड चिल्ड्रेन, क्या कहते हैं उसको, 4 टाइप्स ऑफ टीथ, उनको उनका नाम लिखना है। द ग्लैंड्स विच सिक्रेट सलाइवा, उसका नाम लिखना है। मस्कुलर ऑर्गन विच सेंस टेस्ट, ऐसा मस्कुलर ऑर्गन ऑर्गन जो सेंस को टेस्ट टेस्ट के सेंस को टेस्ट को सेंस करता है, तो उसका आप लोगों को नाम लिखना है। तो बच्चों आज के लिए या इतना ही रहने देते हैं। आप लोगों को अच्छे से याद करना है एक्टिविटी नंबर 4, और ये चारों क्वेश्चंस आप लोगों को करके आने हैं। तो आज की क्लास बस इतनी ही।